हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। इस वीडियो में हम एक और वैकेंसी की बात करने वाले हैं जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आई है। विस्तृत विज्ञापन 28 जून को जारी किया गया। यहाँ पर कुल 905 पदों के लिए जो है वो भर्ती निकाली गई है। राज्य सेवाएं में 424 और अधीनस्थ सेवाओं में 481 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों में जो है वो कमी और वृद्धि की जा सकती है। यानी ये जो 905 पद हैं तो ये जो है वो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। घटते तो नहीं है, यहाँ पर बढ़ ही जाते हैं। ठीक है, बाकी सारी हम यहाँ डिटेल में बात करेंगे। एज, क्वालिफिकेशन, वेतन जो है वो क्या रहने वाला है, तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर वैकेंसी है। सबसे महत्वपूर्ण जो आप सभी जो है वो देखना चाहते हैं कि उम्र जो है वो क्या है। उम्र जो है यहाँ पर काफ़ी है और मैक्सिमम सभी बच्चे यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उम्र जो है वो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष जो है वो यहाँ पर कहा गया है। आरक्षण जो है सभी को यहाँ पर उम्र में मिल रहा है, चाहे वो SC ST कैटेगरी का हो, चाहे वह EWS का हो। EWS कैंडिडेट को जो है हम देखते हैं उम्र में आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है मिल रहा है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं, योग्यताएं जो है क्या मांगी गई है, तो मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। तो आपने जो है वो डिग्री कर रखी हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर अगर हम आरक्षण की बात करें तो जितनी भी श्रेणियाँ हैं SC ST OBC EWS, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनको जो है वो आरक्षण उम्र में नहीं मिलता है। मैक्सिमम जो फॉर्म हम देखते हैं वहाँ पर इनका जो नाम ही नहीं होता है, यहाँ पर लेकिन है। 5 साल की जो है वो छूट मिल रही है इन सभी को। महिलाओं के लिए जो है वो अलग से जो है वो आरक्षण है जो कि 10 साल का है, चाहे वह SC की हो, ST की हो, अति पिछड़ा वर्ग की हो या EWS की हो। इसके अलावा सामान्य वर्ग की जो महिला है, ठीक है, उसके लिए भी 5 साल का जो है वो यहाँ पर आरक्षण है। विधवा और विच्छिन्न विवाह जो महिला है तो अधिकतम आयु सीमा नहीं है, तो वह कितनी भी उम्र की हो वह फॉर्म फिल कर सकती हैं। तो PDF जो है वो 8 पेजों की है, लेकिन हम जो है वो केवल मेन बात ही यहाँ पर जो है वो करेंगे। चयन प्रक्रिया जो है वो कैसे होगी, तो प्रतियोगिता परीक्षा होगी और उसके बाद होगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी होगा। परीक्षा का स्थान और माह जो है इन्होंने माह जो है वो बता दिया है कि सितंबर और अक्टूबर माह में जो है परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सारी चीजें अगर हमें पता होती है कि उम्र, क्वालिफिकेशन, वेतन, सारी चीजें हमें पता होती है और ये भी पता लग जाता है कि एग्जाम किस माह होगा, तो तैयारी और भी अच्छे से स्टार्ट कर दी जाती है। इसमें जो है वो आपके 2 पेपर होते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, पहला जो पेपर होगा उसमें सभी प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, और जो मुख्य परीक्षा होगी मेंस, उसमें वर्णात्मक रूप से जो है परीक्षा होगी, यानी डिटेल में जो थ्योरी होती है वह आपसे पूछी जाती है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म और 31 जुलाई तक रहेंगे। ठीक है, ये जो है वो महत्वपूर्ण है, आप याद रखोगे कि आवेदन जो है वो 1 जुलाई से जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं और 31 जुलाई तक चलेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भरने के लिए, तो बिल्कुल डेट जो है वो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपको जो है अगर आप अप्लाई करते हैं तो rpsc.rajasthan.government.in इस साइट पर जो है वो आप जाएंगे और आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। फीस हम अगर देख लेते हैं यहाँ पर, तो सामान्य वर्ग जिसमें अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, क्रिमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और आरक्षित वर्ग जो है SC ST, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग, सबकी जो फीस जो है वो समान है, 600 रुपये है। ठीक है, बाकी जो है EWS जो कैंडिडेट हैं और शहरिया क्षेत्र के जो बच्चे हैं इनकी फीस जो है वो 400 रुपये है और दिव्यांगजन की भी 400 रुपये है। यहाँ पर इन्होंने एग्जामिनेशन की जो स्कीम है वह भी दी है कि पहले जो है वो आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी यानी प्री एग्जाम होगा और वह 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। उसके बाद जो है वो आपका मेंस एग्जाम होगा और यहाँ पर आपसे जो है वो डिटेल में सारी चीजें जो पूछी जाएंगी। एक लाइन जो है वो आप यहाँ पर ध्यान में रखें, द कैंडिडेट अपियरिंग इन द मेन एग्जामिनेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम 10% मार्क्स इन ईच पेपर, यानी मेंस एग्जाम में जितने भी पेपर होंगे उसमें सभी पेपरों में जो है वो 10% मार्क्स जो है वो आपको लाने
कंपलसरी है। वस्तुनिष्ठ जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके 200 के आएंगे। दूसरा जो पेपर होगा मेंस का, तो इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, इसमें आपको पता है हर सब्जेक्ट में जो है वो आपको 10% मार्क्स जो है वो लाने जरूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडीज़ 3 और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, इस तरीके से आपके जो है वो 200-200 मार्क्स के जो है वो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर जो है आपके सामने आएगा। उसके बाद जो है लास्ट में जो लास्ट पेज है, 8 पेजों की जो है पीडीएफ थी, लास्ट पेज में जो है जितने भी पदों का वर्गीकरण है, चाहे वो राज्य सेवा के पदों का वर्गीकरण हो या फिर अधीनस्थ सेवा के पदों का वर्गीकरण हो, कैटेगरी वाइज लास्ट पेज में दिया हुआ है। तो आप ये भी देख सकते हो कि हमारी कैटेगरी में जो है कितने जो है वैकेंसी दी हुई है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, आपका सपना है आरएएस बनने का, आरटीएस बनने का, देखिए यहाँ पर आपको अधिक कंपटीशन नहीं मिलता है। थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में काफ़ी जो है भीड़ होती है, तो वहाँ पर जो है मेहनत भी करते हैं बच्चे, लेकिन जो ज़बरदस्त मेहनत जो करने वाला बच्चा है उसे आरएएस का, आरटीएस का जो है वो फॉर्म बिल्कुल भरना चाहिए। कुल जो है वो 905 पद हैं, लेकिन इनकी संख्या जो है वो बढ़ भी सकती है। आपको तो अपना जो है वो एक पद ही चाहिए, ठीक है। कभी भी कोई वैकेंसी जो है वो निकलती है, आप लोग फॉर्म भरते हैं, तो ये मत देखा करिए वहाँ पर पद कितने हैं, क्योंकि आप केवल एक पद को ही पाना चाहते हैं, तो मेहनत तो हर जगह होती है। बिना मेहनत के कोई भी कंपटीशन जो है नहीं निकाला जा सकता। यहाँ क्वालिफिकेशन, उम्र यदि सटीक बैठ रही है तो आप फॉर्म फिल जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।